अच्छा सुनो, मैं आई हूँ कहाँ, तो मैं आई हूँ बंजारा मार्केट आज। तो बंजारा मार्केट में आपको इस तरीके की चीज़ें मिल जाएंगी जो कि काफ़ी आई कैचिंग चीज़ें थी, ऑब्वियसली नो डाउट। लेकिन मैं आपको बताऊंगी बंजारा मार्केट का सच। तो आप सबको पता है या आप सब जानते हो कि बंजारा मार्केट का आखिर सच है क्या? तो सच जानने के लिए आपको ऑब्वियसली पूरी वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी। तो आपको जितने भी आइटम यहाँ पर दिख रहे हैं ना, सारी चीज़ें बहुत ही अट्रैक्टिव था, लेकिन इनके प्राइजेज आप सुनोगे तो शॉक्ड रह जाओगे। और बहुत ही मतलब नेक्स्ट लेवल की आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल थी। प्राइजेस तो इससे सस्ते यार आपको कहीं भी मिल जाएंगे इस टाइप का। तो चलिए कुछ क्लिप्स हम देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या आइटम हमें मिलने वाला था। और वैसे भी यार मिडिल क्लास फैमिली के लिए तो आई डोंट थिंक कि यहाँ से हम कुछ ले पाएंगे ऑनेस्टली। आप लोग बताना आप लोग क्या लेते हो। गाइज, ये जो मार्केट है काफ़ी बड़ी मार्केट है और इंस्टॉलमेंट पे लगा है, मतलब कि थोड़ा सा स्पेस पीछे, आप मेरे पीछे देख रहे हैं उधर लगी है मार्केट, बाकी आगे लगी हुई है जो कि मैं भी आपको फ्रंट कैमरे से दिखाऊंगी। यहाँ पे जब भी आप आते हैं तो अपनी व्हीकल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इतने बड़े बड़े और हैवी सामान है ना। तो आपको क्या करना, आप इधर मेरे पीछे देख सकते हैं बड़े बड़े व्हीकल्स होते हैं, तो आपको अगर आपकी अपनी गाड़ी है तो आप उसमें सामान रख सकते हैं बिल्कुल, और अपनी गाड़ी से ही बहुत ही सही रहेगा, तभी आप यहाँ पे आइएगा। और मेक श्योर कैश ज़रूर लेके आइएगा। तो गाइस स्टार्ट करते हैं इस तरीके से। एंट्री लेते ही ना ये कुछ इस तरीके का आपको जो है सिनेरियो दिखेगा, जहाँ पे ये वुडन की और ये जो वाइट मार्बल होते हैं उसके टेबल्स मिल जाएंगे, और ये आपको इस तरीके के ना अल्फ़ाबेट्स मिल जाएंगे। यार कांट बिलीव, ये अल्फ़ाबेट जो है ना, आपको एक अल्फ़ाबेट आपको मिल रहा था यहाँ पे 200 रुपीज़ का, 250 रुपीज़ का, मतलब साइजेस के अकॉर्डिंग और वर्क के अकॉर्डिंग मिल रहा था। जैसे कि देखो ये जो ये आ रहा है ये आपको दे रहे थे 300 का, देन ये बी आपको दे रहे थे 200 का, बिकॉज आर पे ज़्यादा वर्क है। इस तरीके के आपको सारे अल्फ़ाबेट्स मिल जाएंगे। और ये आपको पेरिस हो गया, ये 150 रुपीज़ का मिल रहा था यहाँ पे, ये मैरी आपको 500 रुपीज़ का मिल रहा था। यानी कि आप अगर आपके अंदर बार्गिन की स्किल्स ज़्यादा है तो आप ये आके नो डाउट करवा सकते हैं। आप देखो कुछ इस तरीके के फ़ोटो फ्रेम्स थे, ये 150 का फ़ोटो फ्रेम था, ये आपको जो था ये 250 रुपीज़ का फ़ोटो फ्रेम था। तो इस तरीके के फ्रेम के ऑप्शंस भी काफ़ी सारे अवेलेबल थे नो डाउट। साइजेस और वैरायटीज बहुत मिल जाएंगे। ये जो बॉक्स है आपको 600 रुपीज़ का दे रहे थे, ऑब्वियसली इसमें आप ज्वेलरी या कोई भी ऐसी चीज़ है जो इसमें आप स्टोर कर सकते हैं। देन इसी के सामने जो है यहाँ पे इस तरीके के आपको रैक वगैरह मिल जाएंगे, जिसमें आप यार बिल्कुल ऐसा लग रहा था जैसे कि राजा महाराजाओं के टाइप का सारा आइटम है। तो ये मिरर, ऑब्वियसली मुझे ये मिरर लेना था, ये मिरर लेना है मुझे एक्चुअली, अभी भी मैंने नहीं लिया है। पर यार इसका प्राइस सुन के तो मेरी फट गई बिल्कुल, ये 3,500 रुपये का ये मिरर है, कैन यू बिलीव इट, 3,500 रुपये का ये मिरर। मैंने प्राइस सुनते ही मैं इस रूम से भाग गई ऑब्वियसली, और ले जाने का कोई ऑप्शन नहीं था। तो इस तरीके के आपको ना ये गार्डन वगैरह में रखने के टेबल चेयर्स मिल जाएंगे, ये कुछ आपको 6,000 to 7,000 रुपीज़ के अराउंड पड़ेगा। 2 का पेड़ था, 3 का भी पेड़ था। इस तरीके के आपको स्टैंड्स मिल जाएंगे लगाने के लिए, फ्लावर्स वगैरह डेकोरेट करने के लिए। ये वाला जो मिरर था ये आपको 2,500 रुपीज़ का था, और ये पैक करके देते हैं। अगर आप बंजारा मार्केट जाते हैं ना तो आपको जो है अपनी आपकी गाड़ी होगी तो ही आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब ये जो आप टेबल देख रहे हो, ये जो कि आपने 5-स्टार होटल वगैरह में देखा होगा, तो ये आपको 7,000 के अराउंड का था। और ये जो प्लेट थी मिरर के साथ वो आपको था 1,200 का। ये कारपेट आपको 1,200 रुपये का था, रेड वाला कारपेट, तो ये कारपेट भी इसी टाइप का था। प्लस आप ये देखेंगे डोर मैट वगैरह हो गए, ये साइजेस आप अपने साइजेस से ले सकते थे, या 200 रुपीज़ के ये गोल वाले कारपेट जो भी आप इसको बोलते हैं वो मिल जाएंगे। तो बंजारा मार्केट है काफ़ी बड़ी एक्चुअली, पहले कहीं और लगती थी, अभी ये शिफ्ट हो गई है, ये गुड़गांव 62 में शिफ्ट हो गई है। तो आपके पास अपनी गाड़ी है तो ही आप जा पाएंगे। और इस शॉप पे भैया थे नहीं तो प्राइजेस का कुछ अंदाज़ा लगा नहीं, पर जो मैंने बाकी शॉप पे पूछा उसके हिसाब से 600 रुपीज़ की क्रॉकरी थी। तो अब देखो सेम इसी शॉप पे, ये भी उन्हीं की शॉप है, तो यहाँ पे आपको इस तरीके के ना फ्लावर्स बास मिल जाएंगे, आप इसको अपने अकॉर्डिंग डेकोरेट कर सकते हैं। प्राइजेज अराउंड ये
2 to 3 thousand के अंदर रहेंगे। और इस शॉप पे भैया थे नहीं, और ये टेबल भी इस तरीके के, मतलब काफ़ी चीज़ें थी ले सकते थे हम। पर अगर आपके पास अपनी गाड़ी है ना तो ही बेस्ट रहेगा, आप जाके ले सकते हो। और क्योंकि इतना ट्रैवलिंग हो जाता है तो आपको ये सब ना रखना पड़ेगा। अब सिंगल ऐसे आके अकेले नहीं ले जा सकते। तो ये देखो राजा महाराजा के टाइप का कुछ सामान मिल गई, जिसे आप अपने बेडरूम में डेकोरेट कर सकते, खाली वॉल पे लगा सकते। 6,000 रुपीज़ इसका प्राइस इन्होंने कोड किया था। देन या आप देखो काफ़ी सारे मतलब क्रॉकरीज, अगर आप लकड़ी में वुड में लेना चाहते हैं तो वो भी मिल जाएगा। ये जो झूला जिस आप इसको आई डोंट नो क्या बोलते हैं, आप कमेंट करके बताना, 6,000 का ये था। देन यहाँ पे अगर आप कंसोल टेबल लेना चाहेंगे जो साइड में होती है, कैन यू बिलीव इट, 10,000 रुपीज़ का कंसोल टेबल यहाँ पे अवेलेबल था। फिर इस तरीके के मिरर्स, और सबसे बड़ी बात ना आपको सेम चीज़ पूरे मार्केट में मिलेगी। मतलब यहाँ पे अगर 10 से 12 शॉप है। अच्छा मैं इसकी कहानी सुनाती हूँ पहले। तो ये मुझे जो वॉच लगी है ना, मुझे लगा ये ट्राईपॉड है, सो दैट मैं इसे लेके और इस पर ना फ़ोन लगा सकती हूँ। बट लेटर ऑन आई गॉट टू नो कि यार ये तो लैम्प है, इसमें लैम्प लगा सकते हैं। वॉच आप देख सकते हो ऊपर यहाँ पे होल्डर दिया हुआ था। सो द फनी मोमेंट इज़ कि इनका जो टैलेंट है ना नेक्स्ट लेवल का, मतलब ये किसी भी तरीके के एक फाइन शेप दे सकते हैं। इसमें हम ये ऑब्वियसली पॉट है जो कि आपको 500 रुपीज़ का दे रहे थे। सो अगर आप मल्टीपल नंबर में लेते तो ये ऑब्वियसली कम करके 200 to 300 में आ जाएंगे। देन इस तरीके के आपको फ्लावर, मतलब शेप डिफरेंट डिफरेंट यहाँ पे अवेलेबल हो रहा था। क्रॉकरीज यहाँ पे अवेलेबल थी। ये आपको 1999 का, ओ माई गॉड, मुझे तो इसका यूज़ समझ में नहीं आया कि इसमें करना क्या है। 1999 का था ये लैम्प। इस तरीके के आपको 2000 से ऊपर रेट के थे ये कुछ प्लेट्स, स्टाइलिश प्लेट्स, और ये आपको कुछ इस तरीके के शो पीस वगैरह मिल जाएंगे। अच्छा ये सब ना आपको देख के लग रहा हुआ पीतल का है और हैवी है, बट एक्चुअल में ना ये लकड़ी का और काफ़ी लाइट वेटेड है। इस तरीके का मेरे को ये लगता है कि बंजारा मार्केट में ना आपको चीज़ें तो मिलेंगी, बट आई गेस यूज़लेस चीज़ें भी मिलेंगी, जिनको अगर आपका घर, मतलब होता है ना कि अगर आप देखो इस तरीके की मार्केट है, राइट में भी और लेफ्ट में भी, और जितना ये दिख रहा है ना उतनी ही मार्केट है। सो यहाँ पे शॉप नंबर्स हैं। ये मिरर है जो कि आप प्लेन, ऑब्वियसली आप छोटे घर में तो उसको नहीं वॉल पे लगा पाएंगे, बट हाँ अगर आपका घर काफ़ी अच्छा है तो वहाँ पे आप डेकोरेट करने के लिए यहाँ से सामान ले सकते हैं। ये लैम्प जो है ये 8,000 का ये लैम्प था। सो इस तरीके के मिरर, मतलब आप देख रहे होंगे इस पूरी वीडियो में भी आपको ना सेम चीज़ें रिपीट दिख रही होंगी। तो ऑब्वियसली जो एक शॉप पे आपको मिल रहा है ना वही आपको बाकी शॉप पे भी मिलेगा। मतलब प्राइजेज में थोड़ा 100 to 200 का डिफरेंशिएट हो सकता है। बाकी आपको वुडन के सारे आइटम यहाँ पे मिल जाएंगे, और मोस्टली सारे शॉप पे सेम मिल जाएगा। ये वो आपने देखा को ना टीवी पे पहले आता था कि जादू वैसे करते थे, ब्लैक मैजिक वो मैं करने की कोशिश कर रही थी। तो देखो इस तरीके का आप जो रेस्टोरेंट में देखते हो ना, ये होल्डर्स वगैरह वुड रोप वाले वो मिल जाएंगे। ये वॉचेस आपको मिल जाएंगे, घड़ी जो कि 500 to 600 के रेंज में थी ये वाली। सो इस तरीके का आपको ये मिल जाएगा, ये सारा आपको टेबल मिल जाएगा। ये जो था ना ये आपको 1500 रुपीज़ का था। सो 1500 रुपीज़ का इस तरीके का आपको शो पीस ये क्रोकरीज में मिल जाएंगे आपको। ग्लासेस, इनका प्राइस ऑब्वियसली मैंने नहीं पूछा, बताने को तैयार भी नहीं थे। सो ये जो झूला है ये आपको 8,000 रुपीज़ का मिल जाएगा। और इस तरीके की काफ़ी आइटम्स यहाँ पे अवेलेबल थी, आप देख सकते हैं। ग्लास मिरर ये 2,000 रुपीज़ का था। अच्छा ये देखते हैं, सेट भी है इसका, कितना है ये, 3 का 4 का? दो का सेट है, कितने का है वैसे बताइए? अच्छा एक 2500 का है ना ये? नहीं, दो पीस है, ये 2500 का। एक ये सेट है ये। और ये 1500। ये सारे पीतल के हैं या वैसे ही हैं? एल्युमिनियम के मैम, एल्युमिनियम।
जैसे ये जो पेयर है आपको, ये 2 का पेयर है, 2 का भैया, 2 का पेयर है ना, 2 का जो है ये आपको मिल जाएगा 2500 रुपए में मिल जाएगा। प्लस इसमें कलर्स ऑप्शंस भी आपको मिल जाते हैं, वार्निंग्स भी इसमें दी हुई है कि आपको कैसे इसको यूज़ करना है, किन चीज़ों से बचा के रखना है। गाइस मैं आपको बताना चाहूँगी कि यहाँ पे ना ऑलमोस्ट सारी रिपीटेड चीज़ें मिलती हैं, और जो लोग कहते हैं कि बंजारा मार्केट में काफ़ी सस्ता मिलता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, काफ़ी कॉस्टली मिलता है। आप अगर इसकी बात करो ना, ये आपको 4000 में मिलने वाला है, तो 4000 के लिए आप देख सकते हो। और जैसे ये आपको दिखने में हैवी लग रहा होगा, लेकिन ये एक्चुअल में हैवी नहीं है, बहुत ही लाइट वेटेड है ये। सो आप अपने जो शॉपिंग है आप सोच समझ के कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि लेने वाली चीज़ें नहीं, काफ़ी लेने वाली चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी आपको, पर आपको पूरा ढूंढ के लेना पड़ेगा। तो इस तरीके के आपको आइटम्स मिल जाएंगे, और इस तरीके के आपको सेठी वगैरह मिल जाएगी, सोफ़ा मिल जाएंगे, 7000 की रेंज में मिल जाएगा। और ये आप देख रहे हो यहाँ पे बुद्धा जी मिल जाएंगे। यार इस शॉप पे ना आपको आइटम तो बहुत सारे अवेलेबल थे, और यूनिक मास्टर पीसेस भी थे, पर वही बात आ गई यार, कॉस्टली काफ़ी सारा था, काफ़ी कॉस्टली था। ये 12000 रुपये का आपको वाटरफॉल मिलेगा, इसी शॉप पे आपको ये बुद्धा जी 12000 से 15000 के रेंज में मिलेंगे, क्योंकि ये वाटरफॉल इस पर भी होता है। और ये जो ये 12 से 15 हज़ार का मिल जाएगा, मतलब कि ये ना आप बार्गेन नहीं करते हैं, बार्गेन मतलब आप कर सकते हो, पर ये प्राइस कम करने के लिए रेडी नहीं होते। ये वॉचेस आपको 1200 रुपीज़ के मिल जाएंगे। तो गाइस आपको मेरे चैनल पे ना आपको मार्केट से रिलेटेड वीडियोस भी मिल जाएंगे, ब्लॉग भी आएगा, और आपको ना अब बिल्कुल रॉ अनकट आपको वीडियो मिलने वाली है, नो फिल्टर नो एडिटिंग, बिल्कुल ओरिजिनल आपको मिलेगा। जो दिखता है मुझे वही मैं आप तक, आप सबको भी दिखाऊँगी। तो इन्हीं सब चीज़ों के लिए आप ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप देख रहे हो कितने वैरायटीज़ यहाँ पे अवेलेबल है। सो ये जो होम लिखा हुआ है ना, ये 2000 रुपीज़ का होम दे रहे थे, ओ माय गॉड 500 का ईच पड़ रहा था। आप मुझे बताओ, मिडिल क्लास फैमिली के लिए अगर ये 2000 रुपये का सिर्फ ये डेकोरेट चीज़ लेंगे, तो मतलब उनके घर पर कितने छितर पड़ने वाले हैं। अच्छा एक चीज़, और ये जो आपको फ्लावर पॉट है ना, ये 10-10-20 रुपए में दे रहे थे, तो रीज़न क्या है 20 रुपए में देने का, क्योंकि ये क्रैक थे, टूटे हुए थे, अगर आप यहाँ से लेके जाओगे तो टूट जाएगा रास्ते में। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाय बाय।